फ्रेंड्स, मैं हूं मंदी और आपका मेरे चैनल मैंडीज होम किचन में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी वेज मोमोज, जो कि एक ट्रेंडिंग स्ट्रीट फूड है, पर मैं मैदा मोमोज की जगह गेहूं के आटे के मोमोज बनाऊंगी और मैंने इसे एक क्रंची यानी कि कुरकुरे वर्जन दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मोमोज बनाने के लिए हम लेंगे गेहूं का आटा 2 कप, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच घी, अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है और अब पानी डालकर आटा गूंथते हैं। डो रेडी हो चुका है। अब इस पर घी लगाकर इसको 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम मोमोज की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गरम पैन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेंगे। इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप कद्दूकस की हुई गाजर और 1 कप पत्ता गोभी। इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। अब इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। मसाला रेडी हो चुका है और अब गैस बंद कर देते हैं। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मसाला ठंडा हो चुका है तो चलिए बनाते हैं मोमोज। मोमोज बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लेकर इसको बेल लेते हैं। मैंने इसे एक कटोरी की हेल्प से काट लिया है ताकि मेरे सारे मोमोज एक ही साइज के बने। अब इसमें मसाला डालते हैं। मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मोमोज का साइज थोड़ा बड़ा रखना है। अब इसे बंद करते हैं। अब इसका जितना भी ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको निकाल लेते हैं। और इसको बंद करके राउंड शेप देने की कोशिश करते हैं। इस तरह से और बॉल्स भी रेडी कर लेते हैं। अब हम इसे करेंगे स्टीम। मोमोज को स्टीम करने के लिए एक इडली प्लेट को ऑयल के साथ करेंगे ग्रीस। इडली कुकर को गैस पर रखने के बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। मोमोज को 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये अच्छे से पक चुके हैं इसलिए गैस बंद कर देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक मोमोज ठंडे होते हैं तब तक एक बर्तन में 1 टेबलस्पून मैदा ले लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स करेंगे। मोमोज को क्रिस्पी बनाने के लिए हमें ये गोल ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है।
एक प्लेट में ले लेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स। मोमोज रेडी हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। अब मोमोज को मैदा के गोल में अच्छे से रोल करते हैं। अब इसे डालते हैं ब्रेड क्रम्स में और इसको भी अच्छे से रोल करेंगे। इसी तरह से हमने सारे मोमोज को ब्रेड क्रम्स में रोल कर लिया है। अब करते हैं इन्हें फ्राई। मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मोमोज। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसलिए हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए कुरकुरे मोमोज़।